Bismillahir Rahmanir Rahim. The great viewers, welcome to Prem Live with YJ Kamiana. ये आज हमने गुजारिश करी है. इस वक्त हम मौजूद हैं DNN Studio लाहौर में और ये Government Employees Cooperative Housing Society है. इसमें ये भी आपको हम बैनर दिखाएंगे. खुशाइंद बात है सोसाइटी के मेंबरान जो इस साल लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ था उसमें वो उन्होंने वॉक ओवर के तहत एक इलेक्शन हो गया था. उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, सिलेक्ट कह सकते हैं, वो बाद की बात है, उस पर बाद में बात होगी तफसीली प्रोग्राम में. लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि वो हमने ये जो बैनर और पोस्टर लगे हुए देखा है उस पर उन्होंने लिखा है कि सोसाइटी मेंबरान और उनके बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्लब बनाई जा रही है. वेल डन, वेरी नाइस. बनाने वाले काबिल स्ताइश हैं, मुबारकबाद के मुस्तक हैं. हमने सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पंजाब मोहतरमा किरण खुर्शीद साहबा से, सोसाइटी के मुअज्ज़ज़ मेंबरान से. हमारे मेंबरान प्रेसिडेंट हमें उनकी दयानतदारी पे कोई शक नहीं और ना ही हमें कोई सर्टिफिकेट देने वाले. चंद गुजारिशात हैं कि ये जहां अब ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है या क्लब बनाई गई है, वेल डन, हम अप्रिशिएट करते हैं और यकीनन ये हमारे बच्चों के काम आएगा, हम भी खेलेंगे, सब खेलेंगे. लेकिन ये इतनी भारी कीमत के एवज ये बनाया गया है कि इस पे पहले बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के एक इमारत खड़ी कर दी गई कि ये कम्युनिटी सेंटर बनेगा. LDA वाले आके गिरा गए, वो गिरा गए, इतना बड़ा नुकसान हुआ. हमने उस पर एहतजाज किया, बताया, लोग ईंटें उठा के लेके जा रहे थे. लेकिन थैंक्स गॉड सोसाइटी के कुछ मेंबरान जो जिनके जो दर्द दिल रखते हैं कि ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये सबका है, लेकिन बेदरेग लुटाने का एहतसाब तो फिर एक वक्त टाइम आ जाता है ना, और वो उससे कोई नहीं बच सकता. हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, लेकिन बिल्कुल बहुत महंगा तरीन. पहले कोई 10-15 लाख रुपया जाया हो गया, उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया और फिर एक हुक्म सादर हुआ न जाने किन की जानब से कि ये जो 1-1.5 लाख रुपए का ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफार्मर जल गया था, गिर गया था, उसकी कीमत हमारे मेंबरान से ली गई. बेदरेग चेक काट दिए जाते हैं. इस पे अब 11-12 लाख से ज्यादा लग गया है. लगाइए, बिल्कुल ठीक है, आप 6 महीने साल और हैं, लेकिन ये क्या जुल्म नहीं है? आप सब बताइए, क्या ये ज्यादती नहीं है कि इस पे एक क्लब के ऊपर आपने पहले 10-12 लाख रुपए, 15 लाख के बर्बादी हो गई? और अगर यही करना था, खूबसूरत, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम इसको बार बार अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये कितने बड़े नुकसान के बाद आपने बनाया और बादशाह सलामत की तरह आप चेक काट देते हैं. देन इसके ऊपर टेंडरिंग हुई, बिडिंग हुई, नहीं हुई, ये सवालिया निशान है. और ये कल देखिए मुअज्ज़ज़ मेंबरान जनाब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब, चूंकि ये इलेक्शन ही वॉक ओवर था और सिलेक्ट सारी टीम है, लिहाजा जो इलेक्टेड थे इसरार साहब, मलिक साहब जो इलेक्टेड थे, अकरम चौधरी साहब, मुझे इंतहाई अफसोस है, उन बेचारों को नाकर्दा गुनाहों की सजा. उन्होंने पूरा कई सालों से बेलों पे है, इंटरिम बेल्स हैं. कल क्या होता है, अल्लाह सबको माफ फरमाए, लेकिन हमने कब्रिस्तान की जमीनों पे भी ब्रोकरी कर दी. मुझे पता चला कि कुछ हमारे स्टाफ के और मेंबरान के यहां से फाइलें निकली हैं, उसकी तफसील भी हम आपको बताएंगे. वेरी बैड. और कोई घुमन साहब के इर्द गिर्द, प्रेसिडेंट साहब के इर्द गिर्द कोई प्लॉट है जिसपे एक वकील साहब नाजायज है, उन्होंने करवाया हुआ है, अलॉट करवाया हुआ है, पैसे डलवाए हुए हैं, फालतू जमीन है, उसकी भी तफसील आपको बताएंगे. ये ज्यादती है, ये हम सब के रहने की जगह है, ये किसी की जाती जगह नहीं है. आप जानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, लेकिन खुदारा कुछ तो ख्याल कीजिए. कुछ नहीं, थोड़ा ही अरसा रह गया है, फिर कोई और होगा, लेकिन हिसाब तो अब तो 70 साल का हिसाब मांगा जाता है. तो ये मेहरबानी फरमा के थोड़ा सा ख्याल कीजिए. गार्ड जो हैं 7 नंबर स्ट्रीट पे 2-3 गार्ड और राउंडर वहीं बैठे रहते हैं. वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है सर, कोई खौफे खुदा करें,
मेहरबानी फरमाएं, गार्ड फिक्स आपके घरों के आगे बैठे हुए हैं, पैसे आप सारे मेंबरान को डाल रहे हैं, तो हम तो आपसे एज ए एक मेंबर इस सोसाइटी में एक मकीन की हैसियत से अक्सर कहते रहते, लोग तो आपको बाद में कहेंगे, एहतसाब से कोई नहीं बच सकता। तो मेहरबानी फरमाइए, ये अलले तलले लंबे जो हैं इनको बंद कीजिए। और हाँ, अच्छी चीज़ ये है, सफाई सुथराई का इंतजाम बहुत बेहतर हो गया है, रोशनियां बहुत बेहतर हो गए हैं, सिक्योरिटी का सिस्टम बेहतर हो गया है, दो चीज़ें बेहतर हैं। दो चीज़ें खास तौर पे उनकी आप काबिल तारीफ हैं, सफाई और लाइटिंग का बेहतर इंतजाम है, उसको मेंटेन करना वो सिक्योरिटी का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वेल डन, कीप इट अप। बहरहाल ये जो चेक काटे जा रहे हैं, क्लब के ऊपर बहुत खर्चा हो गया और पहले बहुत वेस्ट हो गया, अब मेहरबानी फरमाइए, ख्याल रखिएगा, महंगाई है, आपको भी देने पड़ते हैं, आज आपके अख्तियार में है, जितना फायदा कर सकें मेंबरान का करें, जहां जरूरत है वहां जारी रखिए, हम आपके साथ हैं। यकीनन इस वक्त आप बिल्कुल बेताज बादशाह हैं, सिलेक्ट हैं, रिपीट कर रहा हूं, ये छुप के नहीं कह रहा, ये इलेक्शन सिर्फ प्रोफेसर नसीर साहब ने हमसे इलेक्शन लड़वाया, वो इलेक्शन तारीख में याद रखा जाएगा, उसका प्रेशर बिल्ड किया, लोगों ने समझा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और फिर चार पांच एक बहुत अच्छा किया, जारी रखिए। प्रोफेसर नसीर एक दयानतदार आदमी है, आप सब दयानतदार हैं, मेहरबानी फरमा के ये इस जो क्लब के ऊपर बहुत भारी रकम खर्च हुई है, इसका कुछ तो दर्द रखिए, और इसकी बिडिंग नहीं हुई, टेंडरिंग नहीं हुई, फिर हमारा जो एचआर एडमन साहब हैं, उनकी जब एडवर्टाइजमेंट अगेंस्ट मास्टर डिग्री के एफए पास रखा गया है, उसके भी सुना है कुछ सिफारशी हैं मेंबर, ये बड़ी गलत बात है, ज्यादती है, और जो बाकी बेशुमार शॉर्टकमिंग्स हैं वो दरगुजर हो सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैटर के ऊपर फॉर गॉड सेक सबका ख्याल रखिए, ये सोसाइटी हम सबकी है, आइए हम अब सब मिलकर इसको बेहतरीन बनाएं। यकीनन आप दयानतदार हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं उसमें मेहरबानी फरमा के जितना भी आप बचत कर सकें करें, और ये वक्त एक जैसा नहीं रहता, चले गए, कहां गए जिन्होंने ये कॉलोनियां बहुत खूबसूरत बनाई, कोई दरबदर हो गया, कोई मर गया, कोई खप गया, लेकिन फिर कोई जेलों में, कोई रिमांडों पे, तो अल्लाह हमें सबको महफूज रखे, इफ्तिताह जरूर कीजिए, लेकिन इसको हम इसको टेकअप जरूर करेंगे कि बहुत बड़ा लॉस हुआ, पहली बिल्डिंग बनाई गई बगैर किसी सूझबूझ के, सोचे समझे इस मंसूबे के तहत जो एलडीए ने गिरा दी, और अब उस पर क्लब बनी है, अगर यही पहले बन जाती तो कितना खर्चा बच सकता था। और ये जो गार्ड लोगों ने अपने घरों के आगे फिक्स किए हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, उन्हें कहें सजदे लंबे लंबे कर रहे हैं और गार्ड अपने घरों के आगे बिठाए हुए हैं, ना वो आगे चलते हैं, ना घूमते हैं, ना काम करते हैं, 10-12 गार्ड मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं और हर बंदे ने अपने घर के आगे बिठाए हुए हैं। अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो आप तशरीफ ला के, मैं हाजिर हूं आपकी हर बात सुनने के लिए, लेकिन अगर ये जायज बात है तो इसका सदबाब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, सेकंड सेगमेंट बड़ा जबरदस्त है, उसको देखिए और सर धुनिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स टू यूरोप, टू अमेरिका, टू एशियंस। हम तो ये कहेंगे कि होल यूनिवर्स को हमारा सलाम। तो ग्रेट व्यूअर्स, ये देखिए आज हम आपको एक ऐसी खूबसूरत स्पॉट से गुजार रहे हैं। ये 60 की दहाई में ये मॉडल टाउन लिंक रोड लाहौर पाकिस्तान है, बहुत खूबसूरत जगह बन गई है। किन अजीम लोगों ने इसको लिया, उस वक्त ये कुछ भी नहीं थी, बड़े लोग थे, बड़े नाम थे, बड़े नामवर लोग थे जिन्होंने ये बस्तियां बचाई। उन्हीं में जनरल आजम मरहूम का जिक्र ना करना एक फौजी के साथ नाइंसाफी होगी। वो शख्स वो बस्तियां बसाने का बादशाह था, किंग था, उसने जनरल आजम साहब ने वो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कराची का कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया बसाया, उन्होंने सैटेलाइट टाउन सरगोधा, रावलपिंडी, साहिवाल, बड़े बड़े शहरों में बस्तियां बसाई। बहुत लोगों ने ये बस्तियां बसाई और कुछ बदबख्तों ने बस्तियां बेच दी। लैंड माफिया आ गया, चाइना कटिंग वाले आ गए। ये जो हम आपको रोड दिखा रहे हैं
ये इसका जो मेन दोनों पोर्शन है मॉडल टाउन लिंक रोड पे, ये गवर्नमेंट कोऑपरेटिव एम्प्लाइज सोसाइटीज की दाग बेल रखी बहुत अजीम लोगों ने 1960 में, ये कुछ भी नहीं था, आज ये बहुत कुछ है, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है, ये आपको हम एक झलक दिखा रहे हैं कि बनाने वाले क्या बना गए और अब जो करने वाले आ गए, लोग चैरिटी का काम करते हैं, लोग कब्रिस्तान की जगह लेते हैं, लोग अस्पताल बनाते हैं। हमने पहले भी कई मरतबा कहा कि पाकिस्तान जब बना तो हमारे पास हम तही दस्ते कुछ भी नहीं था, सिर्फ वलवला, डिटर्मिनेशन, लॉयल्टी थी और वो लॉयल चले गए। तो पाकिस्तान बना और उसके बाद हमारे हिस्से में क्या था, कुछ भी नहीं था। हिंदू हमें हॉस्पिटल दे गए, जो मुसलमान थे उन्होंने अपना सारी जमा पूंजी पाकिस्तान के खजाने में डाल दी। ये वो ग्लैमरस रोड है जिसको जालमों ने, जिन्होंने बनाया वो अजीम लोग थे और जिन्होंने इसको बेचा वो क्या जालम थे, क्रूअल लोग थे। देखिए मेरे लेफ्ट साइड पे बहुत बड़े ब्रांडेड रेस्टोरेंट है, इसकी जमीन कोड़ियों के हिसाब से दे दी गई, इसके आगे एक शॉपिंग मॉल बना है, अभी हम आपको वो दिखाते हैं, कोड़ियों के हिसाब से दे दिया गया, लेने वाले अजीम लोग, खरीदने वाले अजीम लोग, लेकिन उसके बाद कौन से ऐसे चाइना कटिंग के बादशाह आ गए, भेड़िए आ गए, जिन्होंने ये खूबसूरत आइंदा वाली नस्लों की ये सारी प्रॉपर्टी कोड़ियों के हिसाब से बेच दी। मैं अपने प्रोड्यूसर और वेरी सीजन कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये जो मेरी लेफ्ट साइड पे हमारे दाएं जानब जो है, ये बाएं जानब जो है शॉपिंग मॉल आमना मॉल है, ये कोड़ियों के हिसाब से जमीन बेच दी गई और आज ये करोड़ों के हिसाब से एक फुट की जमीन के तौर पे बेची जा रही है। हम आपको इसलिए इंट्रोडक्शन ये करवा रहे हैं कि जुल्म तो ये देखें कि बनाने वाले क्या बना गए और बेचने वालों ने इसको बेदाम बेच दिया। हम आज आपको जिस स्टोरी से अनवेल करने जा रहे हैं, वेरी स्टनिंग, लोगों ने सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ छोड़ दिया और इस मुल्क के लिए वक्फ कर दिए, स्कूल वक्फ कर दिए, हॉस्पिटल वक्फ कर दिए, लेकिन हमें दुख के साथ, द ग्रेट व्यूअर्स, आई एम गोइंग टू अनवेल अ वेरी स्टनिंग, आपको शॉक होगा, आपको दुख होगा कि क्या लोग हैं। आपने कफन चोर तो सुना होगा, आपने कब्रों में से हड्डियां चुराने वाले तो देखे होंगे, सुने होंगे, आपने जेब कुतरे देखे होंगे, सुना होगा, जेब काटने वाले सुने होंगे, लैंड ग्रैबर सुने होंगे, जमीनों पे कब्जा माफिया सुना होगा, सब कुछ सुना होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना होगा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, द टॉप क्रिमिनल्स ट्रैप्ड। हमने ट्रैप, जो ट्रैप हो गए हैं मुल्जमों ने क्या किया है, द क्रूअल्स, उन्होंने कब्रें नहीं बेची, उन्होंने मुर्दों के कफन नहीं चुराए, क्या चुराया है, उन्होंने पूरा कब्रिस्तान चुरा लिया है। नाज़रीन, क्या दुख की बात है कि जहां मरना है, जहां जाना है, पता नहीं कब्र नसीब होनी है या नहीं होनी, लेकिन 37 कनाल मौजा सिद्दड़ लाहौर से कोई 20-25 किलोमीटर बाहर, क्या अजीम लोग थे जिन्होंने वहां गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए कब्रिस्तान की जगह खरीदी, बुरा किया, उसमें से पैसे कमा लिए होंगे, नहीं, कुदरत उनको माफ कर देगी लेकिन उन भेड़ियों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने चंद टकों की खातर वो जमीन बेच दी जिसमें उन्होंने खुद जाके दफन होना था, जिसमें उनके बाप दादा ने दफन होना था, जिसमें उनके बच्चों ने दफन होना था। हम आज उन भेड़ियों के नकाब उठाएंगे, उनके चेहरे बेनकाब करेंगे और आपको ओरिजिनल, ये जो हम दास्तान सुना रहे हैं, ये कोई दास्तान गोई नहीं है, ये यावा गोई नहीं है, अजीम कौम के अजीम बच्चों, द ग्रेट व्यूअर्स, ये रियलिटी है और इसके करेक्टर्स रियल हैं। हम आपको अभी थोड़ी देर के बाद उस हमारी जो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस है वो दिखाएंगे, फिर जिन लोगों ने जिहाद किया और इस बहुत बड़े स्कैम और स्कैंडल को अनवेल किया उनसे मिलाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो जिन्होंने इस जहाद में हिस्सा लिया, जनाब मोहतरम अमानुल्लाह अहमद साहब जो इंक्वायरी अफसर मुकर्रर हुए इसको डिग आउट करने के लिए कि ये जमीन किस तरह ली गई और किस तरह ये कोड़ियों के हिसाब से
बेचने की कोशिश की गई, बिक गई और फिर उन्होंने हिम्मत की। जब उनको ये टास्क दिया गया तो उन्होंने कमर बस्ता कर ली और उनको धमकियां हुई, थ्रेट्स हुई, वार्निंग्स हुई, लेकिन वो डटे रहे। ये देखिए हमारे लेफ्ट साइड पे फेज गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेज 3 है, राइट साइड पे फेज 2 है। अभी हम सोसाइटी के ऑफिस में आपको लेके चलेंगे, हम कानून दानों से मिलाएंगे, हम लॉ पॉइंट पूछेंगे कि सादा कागज के ऊपर, सिंपल पेपर के ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी बनता है। एक अनपढ़ शख्स भी जो देहात में रहता है, अपनी जब जमीन किसी को देता है, अपने पोते को, बेटे को, किसी अजीज को देता है, तो स्टैंप पेपर उसको भी पता है, वो अनपढ़ को स्टैंप पेपर का पता है। लेकिन माजी के जो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी साहबान थे, उनको शायद ये इल्म नहीं था कि कल उनकी गर्दन पे आहनी पंजा आएगा, नैब आएगी, पुलिस आएगी, एंटी करप्शन आएगी, लेकिन वो सब भूल गए क्योंकि उन्होंने तो मरना ही नहीं। हम आपको अभी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ऑफिस जो है ए सेक्टर टाउनशिप में वाक है, उसमें लिए चल रहे हैं और वो ऑफिस दिखाते हैं जहां ये बैठ के बड़े लोगों ने ये जमीनें खरीदी और यहीं बैठ के माजी के सेक्रेटरी साहबान ने कुछ नेक काम किए। नो, वो कोई ऐसा तो कोई फरिश्ता नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको ये जो अख्तियारात दिए हैं ये नेक नामी के लिए दिए हैं, ये ना के बदनामी के लिए दिए हैं। अमान साहब ये बताइए कि जब आपको ये प्रोजेक्ट सौंपा गया, जब आपका इंतखाब हुआ कि आप हैमर करें, स्क्रू करें, स्टैब करें इन जालमों को जिन्होंने कब्रिस्तान की 37 कनाल से ऊपर जगह बेच दी और आपने नाकाम बनाई, आपको जब ये खत दिया गया कि आइए जरा कूद जाइए इसमें और इनका पीछा कीजिए, किस सेक्रेटरी साहब का ये कारनामा है? वो ओन करते हैं, डिसओन करते हैं, ये बात वहां से निकली और आपके एरा में आई, जरा शॉर्ट रोशनी डालिए। देखिए, खौफ सिर्फ अल्लाह से खौफ करता हूं और इन लोगों से, और वो लोग जो चोर हैं जिनके पांव नहीं होते उनसे मैं खौफ नहीं करता। और डाकुओं के तो कुछ भी नहीं होता? डाकुओं को तो हम डराते हैं और जैसे आपने पूछा, मैं बताने की जिसारत करता कि ये फॉर्मर सेक्रेटरी शहीद मोहम्मद अकरम के दौर में ये वाकया हुआ है। अभी भी वो, अब वो उनका स्टेटस क्या है सर, ओहदा क्या है? वो अब वाइस प्रेसिडेंट है। आई हैव अप्रोच देम फॉर इन्वेस्टिगेशन। मैं उनको ऑफिस में भी और एहतराम के साथ उनके घर भी दो बार। और आपने खतूत भी लिखे, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम? बिल्कुल, उनको ये कैसे हो गया? उनको एक ऑफिशियल लेटर लिखा, बीइंग ए कन्वीनर ऑफ दिस सब कमेटी। अदरवाइज उनको कोई, अपने आप को ही ख्याल नहीं था कि ये जुल्म हो गया? वो कहते मेरे नॉलेज में नहीं। तो इतने बड़े ओहदे पे कोई बंदा ये कह दे कि हमारे घर से जिस तरह उसामा निकाले गया और हमारे हुक्मरान कहते हमें पता ही नहीं है, अब पता नहीं उसामा था नहीं था, तो यहां तो 37 कनाल जमीन थी सर जिस रिमांड ही नहीं किया। फिर नहीं सर, उसके रिपोर्ट में उनका नाम दर्ज है। फिर हमारा एक डिस्पैच क्लर्क जो अभी मफरूर है, एब्सकॉन्डर है, नाम बताइए सर उसका, नाम साजिद उसका नाम है। और कहां का रिहायशी है सर? वो अभी तो इधर टाउनशिप का रिहायशी था, लेकिन उसका पुराना उसके गांव का सारा एड्रेस वगैरह मैंने पूरा एफआईआर में। ओके, साजिद हो गया, एक मुल्जम साजिद हो गया जी। और उसके बाद हमारा एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसने उसकी हैंडराइटिंग मैंने कंपेयर किया और वो उसको मनवाया, उसने कहा ये डिस्पैच नंबर मैंने ही लगाया है। लेकिन क्या नाम है उनका? उसका नाम है शफीक भट्ट। बट बादर हाले हैगे ने या चले गए? हाले थी ते उनको सर आपने इसलिए रखा हुआ है कि ताकि बाकी जो चार घर सोसाइटी के बच गए वो लोगों को दे दें। वो कहते हैं ये मैंने पावर अटॉर्नी पे ये नंबर नहीं दिया, किसी और लेटर पे नंबर दिया और वो लेटर इज मिसिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड। हिज नेम इज इन द एफआईआर सर, मैंने ये मेंशन किया है सब डिटेल में मेंशन। ओके, यानी इनिशिएट जो क्राइम हो रहा है, ये जो मुलजमान जो है उनमें आधे मुलजमान तो सर सोसाइटी के अंदर बैठे हुए हैं, ऑफकोर्स इनिशिएट वहां से हुआ। अब आगे चलिए सर कि अब जो उसका मेन
جو کروکوڈائل ہے ہو از ہی؟ کروکوڈائل جو ہے جی اس کا نام ہے سید ایوب ول سید شبیر حسین، یہ مارٹون لنک روڈ کا خود ساختہ چیئرمین ہے تاجروں کا، اور جبکہ اس کا اصل نام جو ہے وہ ہے سہیل، لیکن آئی ڈی کارڈ میں جو یوز کیا گیا ہے اس میں محمد ایوب، سید محمد ایوب نام یوز کیا گیا ہے، اور اس کا آئیڈینٹی کارڈ کا نمبر بھی وہاں، اس نے جب فرد نکلوائی ہے لینڈ ریکارڈ سے تو اس نے یہ آئی ڈی کارڈ یوز کیا، یہ نام یوز کیا، اور انہوں نے جس پاور اٹارنی پہ یہ فرد جاری کیا وہ پاور اٹارنی ایک سمپل پیپر، لیٹر ہیڈ پیپر تھا ہماری سوسائٹی کا، وہ بھی چرایا گیا یا کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا، سبق دے دیا. میں بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں جناب امان صاحب کا. جمیل بیگ صاحب کوٹ پہنے ہوئے اس سکیم کے پیچھے انہوں نے ہمیں جو قانونی مشورے دیے ہیں، انہوں نے ان ڈاکومنٹیشن کی ویلیڈیٹی کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے، ہم ان سے ملوانے جا رہے ہیں. تو ذرا ایک چھوٹا سا وقفہ، جائیے، لوٹ ضرور آئیے، پلیز گو انجوائے اور ونڈرفل کافی اور ٹی اینڈ جسٹ ریزیوم ویری شارٹلی.